ये 500 है सेम, ये मिल जाएगी 7,70,000 रुपए। ये 500 2010 मॉडल है सही, ये 13.5 लाख रुपए, 13.5 लाख 1500 cc है, तकरीबन मिल जाएगी 9.5 लाख रुपए, 2.5 करोड़ की गाड़ी यहाँ पे 60 लाख में मिल जाएगी, 7 लाख मिल जाएगी। ये पाकिस्तान न्यूज़ है, ये 8.5 में मिलेगी, 8.5 में मिल जाएगी ये। और ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्वेटा मेन बाईपास में, और आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ। जो लोग गाड़ियों के शौकीन है उनके लिए आज मैं 30 लाख की गाड़ी अगर होगी तो वो आपको यहाँ से मिलेगी 7 से 10 लाख में मिल जाएगी। और ये गाड़ियाँ इनकी डिटेल मैं आप लोगों को बताती हूँ, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आप लोगों ने सुना होगा, तो आज उसकी तमाम डिटेल मेरी वीडियो में मिलेगी। तो मेरी वीडियो में मेरे साथ साथ रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो आ जाए मेरे साथ जी। तो मैं शोरूम के अंदर आ गई हूँ, जाहिर खान मोटर्स, जाहिर खान मोटर्स शोरूम। निसार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम है। सुना सही, क्वेटा आने के बाद मैंने सुना ही था ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं, उसकी नॉलेज डेफिनेटली आपको ज्यादा है, तो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड करें और गाड़ियों की कीमतों पे हम फोकस करेंगे कि क्या क्या कीमतें हैं, कैसे लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ सी गाड़ियाँ हैं, ये सारे जापान से होके आती है। एक तो यहाँ पे चलती होती है पाकिस्तान न्यूज़ की गाड़ी, लेकिन हमारे साथ मौजूद है सारे जापान के, जो जापान में यूज हो। अभी फर्ज कर लीजिए, आप देख सकते हो लैंड क्रूजर रानी के पास आए हैं सबसे पहले, ये मिल जाएगी तकरीबन, ये अभी तक जापान में यूज है, पाकिस्तान अनयूज है, पाकिस्तान में यूज नहीं है, जापान की गाड़ी है। तो ये आपको मिल जाएगी तकरीबन 7 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए में। और वैसे क्या इसकी, ये जो ओरिजिनल हो जाएगी तकरीबन, ये तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक मिल जाएगी, 2.5 करोड़ की गाड़ी यहाँ पे 60 लाख में मिल जाएगी, 7 लाख रुपए में मिल जाएगी ये अगर ओरिजिनल हो जाए। यकीन करने वाले प्राइजेस नहीं बता रहे आप नहीं, ये है इसी तरह, है इसी तरह, यहाँ पे है इसी तरह। तो लैंड क्रूजर आप लोग देख रहे हैं, 2.5 लाख रुपए इसकी वैसे प्राइस होगी, और यहाँ पे ये 60 लाख रुपए की दे रहे हैं। ये देखिए पीछे से, इसका थोड़ा सा अंदर से रिव्यू कर लें आप, क्या बात है। ये ZX इसको बोलते हैं, ये 2011 मॉडल है, फेसलिफ्ट इसका 2018 है, ठीक। इसका आगे से फ्रंट लुक चेंज किया हुआ, इसने लुक चेंज किया हुआ इसका, ये 2018 में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा जी, कन्वर्ट किया हुआ है, आप अंदर से देख सकते हो सर, अंदर से भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हम इसको, देखें आप लोग जो गाड़ियों के शौकीन हैं, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ रखते हैं, उन्हें शौक होता है एक के बाद एक गाड़ी चेंज करने का, उन लोगों के लिए यहाँ पे तो बहुत जबरदस्त गाड़ियाँ हैं, एक से एक यहाँ पे नजर आएगी। अभी मैं आप लोगों को लैंड क्रूजर दिखा रही हूँ, ये अभी स्टार्ट करी है, ये स्टार्ट है, नहीं हो रहा है फील भी नहीं हो रहा, आवाज भी नहीं आ रही कि स्टार्ट है, ये जस्ट इसकी जो लाइट ब्लिंक हो रही है उसी से पता चल रहा है। ये बोलते हैं इसको प्रियस, हाइब्रिड, ये जापान से स्पोर्ट्स आई हुई है, इसमें जो ये आप देख सक रहे हो वो ये बम्पर वगैरह, लाइटें, रिम टायर, ये बिल्कुल स्पोर्ट्स बनी है, अंदर से लेदर सीटें हैं इसमें। गाड़ी की लुक चेक करें जस्ट आप लोग, ये 2010 मॉडल की है, ये 2010 मॉडल जी, ये 2010 मॉडल की है, जापान से ये इसी तरह आई हुई है। और प्राइस इसकी क्या लगाई है? इसकी प्राइस 17 लाख रुपए में, 17 लाख आपने फाइनल लगाई हुई है। ये तकरीबन अगर पाकिस्तानी ओरिजिनल हो जाए यानी कस्टम ट्रेड हो जाए जी, ये तकरीबन 42-43 लाख रुपए में, 42-43 लाख जी जी। वाओ, क्या प्राइस में तो बहुत डिफरेंस है। ये लोग हमसे ले जाते हैं, वो टैक्स करा देते हैं, करवा लेते हैं, करवा यहां लेते से, हैं। हाँ, ठीक है। तो वो अपना लीगल की तौर पे हो जाती है, अभी अनलीगल है लेकिन लीगल तौर पे ये बन जाती है, ठीक है। इसकी जो ड्यूटी वगैरह होती है, पेमेंट वगैरह सब कुछ जमा करके इसकी अपना नंबर ले लेते हैं, कोई इस्लामाबाद कोई कराची का, वो ले लेते तो ये बिल्कुल लीगल हो जाएगी, ठीक है। अभी अनलीगल है, यहाँ से लेंगे तो आपको इतने में मिल जाएगी, आपसे भी कम हो जाती है जी। और ये अभी आप साथ में देख रहे हो, ये सक्सेस है, सिल्वर कलर में, ये 2010 मॉडल, 2010 मॉडल, ये पाकिस्तान अनयूज है, अनयूज है पाकिस्तान जी, हाँ पाकिस्तान अनयूज है, ये 2011 मॉडल की है, ठीक। साथ में खड़ी हुई ये 2005 मॉडल है,
ये भी पाकिस्तान अनयूज है, कलर वगैरह कुछ नहीं है, डेंट पेंट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है बिल्कुल न्यू है ये। ये जापान से डायरेक्ट होके आई हुई है यहीं पे, ये अभी तक पाकिस्तान में इसके यूज नहीं हुई। जी हाँ, इनके प्राइजेस भी बताते चलें। प्राइजेस ये दोनों साढ़े तेरह लाख तकरीबन, फर्ज कर ली ये अगर ओरिजिनल हो जाए ये बन जाती है तकरीबन 33 लाख रुपए तक पहुँच जाती है। जी हाँ, 33 तक पहुँच जाती है। और ये गाड़ी है एक्सो, ये 2010 मॉडल की है। ठीक, ये बम्पर टू बम्पर है। ये बंपर टू बंपर हम लोग इसको बोलते हैं कि इसमें कलर वगैरह ना हो, बंपर टू बंपर, बंपर से पिछले बंपर तक अपने कलर में। अच्छा, ये अपने ही कलर में, वो ये अपने ही कलर में। ये 2010 मॉडल में ये इसको हम लोग फुल ऑप्शन बोलते हैं, ये फुल ऑप्शन है। ये बिल्टा है, ये 2010 मॉडल विड्स जैसी है। जी हाँ, ये बिल्टा है, ये 2009 मॉडल की है, फल वाइट कलर है, इसमें कलर वगैरह कुछ भी नहीं है, स्क्रैच है लेकिन कलर नहीं, कलर है, कलर खराब नहीं, 1300 सीसी है। ठीक है, अच्छा, इसकी भी एक्सियो की भी प्राइस बताइए रहेगी। ये एक्सियो जो है 16.5 लाख रुपए, 16.5 लाख। ये 38 लाख रुपए की गाड़ी है। ये आप प्राइसेस पे जरा गौर कीजिएगा, 38 लाख रुपए की गाड़ी है। ये गाड़ी जो है 13.5 लाख है, ये 13.5 लाख, 28 लाख रुपए इसकी कीमत है पाकिस्तान में। यानी जब आप लीगल कराओगे, लीगल कराने के बाद ये गाड़ी, ये फिर पाकिस्तान यूज है, ये पाकिस्तान यूज है, ये पाकिस्तान यूज है, ये 8.5 में मिलेगी, 8.5 में मिल जाएगी ये। और ये सेम एक ही मॉडल है, ये पाकिस्तान अनयूज है, ये अनयूज है, वो यूज है, ये 17 लाख में मिलेगी, ये 17 लाख में मिलेगी, 8 लाख है। जी हाँ, ये यहाँ पे यूज हो चुकी है, ये यूज हो चुकी है, इसलिए ये 8 लाख। ये प्रेमियो कड़ी है 2003 मॉडल की, 2003 ये पल वाइट कलर में, इसको हम लोग एक्सेस के नाम से जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तकरीबन मिल जाएगी 10.5 लाख में, 10.5 लाख, 10.5 लाख की अगर ओरिजिनल हो जाए तकरीबन 28-25 लाख रुपए की गाड़ी है। जबरदस्त। ये अभी साथ में 2003 मॉडल एक्स है, ठीक है, ये 2003 व्हाइट कलर में, ये भी पाकिस्तान अनयूज है, ये 15.5 में मिल जाएगी। ये जो है इसको एक्स बोलते है, वो जी थी, वो गोल्डन जो मैंने आपको दिखाई वो जी ग्रेड है, ये एक्स ग्रेड है, ये फर्क है। ये दूसरी जो है ये प्रेमियो है, 2014 मॉडल की है, वॉलमेटिक इसको बोलते हैं। जी हाँ, ये एक्सीएस पैकेज है, ये मिल जाएगी 32.5 लाख, ये ओरिजिनल हो जाए ये तकरीबन 74 लाख में, 74 लाख में, 75-74 लाख में। वो जो पहले मैंने आपको प्रेमियो दिखाई थी 10.5 लाख, वो 10.5 वो पाकिस्तान यूज है, ये गाड़ी पाकिस्तान अनयूज है, अनयूज है, ये मिलेगी 17 लाख में, 17 लाख में मिलेगी। अभी आप फर्क खुद ही जानो, पाकिस्तान में चले हुई गाड़ी और डायरेक्ट आई हुई गाड़ी, बहुत डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है, जो अनयूज है वो भी। ये अगर 23 का ऑक्शन बन जाए, ये तो ऑक्शन हो सकती है बिल्कुल, ये 23 का ऑक्शन हो जाए, ये काफी महंगी गाड़ी है, 42-41-40 के करीब की गाड़ी है। और ये है क्राउन, क्राउन इसको क्राउन बोलते है, ये एवरेड में, एवरेड जी हाँ, ये 3000 सीसी है एवरेड में, ये 2010 मॉडल है, ये 17.5 लाख रुपए में, 17.5 लाख सही। और ये विड्स है, ये विड्स आगे 2004 मॉडल है, सही, 1300 सीसी है, ये तकरीबन ओरिजिनल है, ये 20 ऑक्शन की है, 23 की रजिस्टर्ड है, ये तकरीबन मिल जाएगी 22.5 लाख रुपए में। ये अंदर से आप रूम दिखा सकते हैं उसके, ये बहुत खूबसूरत लग रही है अंदर से भी, इसका इंटीरियर चेक करें। हाँ जी, व्हाइट इंटीरियर में आती है, ये दरवाजा खोल सकते हो सर आप, ये देखिए, ये 2004 मॉडल, 2004 मॉडल, जी हाँ। ये इसमें कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पंजाब लोग भाई चलाते हैं, कुछ ऐसी गाड़ियां जो कराची वाले यूज करते हैं, वो आइटम आइटम है, सबके लिए आपने रखा हुआ है, सबके लिए ऑप्शन है भाई। ये पासो है, ये पासो 2010 मॉडल है, सही, ये नॉन कस्टम पेड है, नॉन कस्टम पेड, जी हाँ, सही, ये तकरीबन मिल जाएगी 9.5 लाख रुपए, 9.5 लाख में मिल जाएगी, 9.5, ये साबित है, इसमें कट भी आती है, एक साबित आती है, ये साबित, ये साबित है, जी हाँ। अच्छा, आप प्राइसेस बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, कुछ करेंगे ये तो आप अपनी प्राइसेस बता रहे हैं, लास्ट तो नहीं होंगी, नहीं लास्ट वो तो मौके पे हो जाएगा, वो तो मौके पे हो जाएगी, खरीदार होएगा खरीदने के लिए, बिल्कुल, वो लास्ट आखिर मौके पे, उनको आप कितना डिस्काउंट देंगे, जो अगर कोई हमारी वीडियो देख के आ गया यहाँ पहुँच गया, ये मौके पर पता चलेगा कि जान कितने है बंदे में। अच्छा, नहीं आप मेरे चैनल की जान देख के हो जाएगी तकरीबन, हमारा डिस्काउंट जो हमने अपने माइंड से रखी हुई है, लेकिन इसमें इतनी नहीं है, 50 से 30 हजार रुपए, 50 हजार के दरमियान 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए,
जितने स्पेशल डिस्काउंट होना चाहिए हमें, स्पेशल डिस्काउंट, लेकिन इसमें वो इतना हम लोग रखते नहीं है कि ताकि दूसरा भी सोच ले कि यार फलाने गाड़ी पे इतने शोरूम पे इतने पे मिल रही है, आप इतने कर दे। बिल्कुल ऐसी ये तो चीज हमने निकाली हुई बिल्कुल, उसमें भी इसमें भी अगर आपको 30 से 50 लाख का डिस्काउंट मिलेगा तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, आप खुद देख लें। ये गाड़ी 2013 मॉडल है, 2010 मॉडल है, ठीक है। 1500 सीसी है, 1500 सीसी, इसको डबल आई एल बोलते हैं, विड्स है लेकिन ग्रेड है इसमें डबल आई एल, जैसे मैंने आपको एक्स बताई थी जी ग्रेड और एक्स, ठीक है ठीक है, ग्रेड ग्रेड है इसका, ठीक है जी। ये बम्पर टू बम्पर है, पुश स्टार्ट है, ठीक है, कलर वगैरह कुछ भी नहीं है, सही जी। ये 13.5 लाख रुपए, 13.5 लाख, 1500 सीसी है, 1500 सीसी, ये 500 है, ये 500 है, सेम वही 500 है वो जो थी अभी लास्ट जी हमने, ठीक है। मेरून कलर में ये मिल जाएगी 7,70,000 रुपए, 7,70,000 में मिल जाएगी, मिल जाएगी, 1300 सीसी है। ये विड्स है, ये 2015 मॉडल, ये 2015 मॉडल, हाँ, ये तकरीबन मिल जाएगी 16 लाख रुपए, 16 लाख में मिल जाएगी। एक्वा जी हाँ, आजकल लोग बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं एक्वा और चला भी बहुत रहे हैं। ये 2015 मॉडल की है, ठीक, ये एस ग्रेड है, ये तकरीबन मिल जाएगी 15.5 लाख रुपए में, मॉडल इसका 2015 मॉडल, 2015 मॉडल। ये 2016 मॉडल है, हाइब्रिड, ये 2016 मॉडल, ये भी रखवा है, उसका शेप आप दिखा सकते हो अपना, ये लाइटों में इसका फर्क है, इसको बिल्कुल, वो 2015 है, ये 2016 है, ये मेरून कलर, ये जी ग्रेड है, सही। दोनों पुश स्टार्ट है, बस वो मॉडल उसमें फर्क है जी हाँ, ये खाली जी ग्रेड है, वो एस ग्रेड, ग्रेड, ग्रेड में फर्क है, ये 16 लाख में, वो 15.5 लाख, वो 15.5 जी हाँ। वेट्स आगे, ये 2010 मॉडल है, ठीक, ये आरएस इसको बोलते हैं, जो पैसे तकरीबन 10.5 लाख, 10.5 लाख में हो जाएगी। अल्टो है, ये अल्टो है, ये आरएस टर्बो अल्टो है, ये 2015 मॉडल है, ये पुश स्टार्ट में आती है, फुल लग्जरी कार है, इसका इंटीरियर वगैरह आप चेक करेंगे, स्पीड मीटर, ये मैनुअल मीटर है इसका, ये मैनुअल है जी हाँ, पुश स्टार्ट में, और ये ब्लैक फार्मेके इसमें लगी हुई है, एटिंग वाले सीटें लगे हुए इसमें, सही, और गियर शिफ्टिंग इसका ग्रैंडी जैसी है, ये सामने आप देख रहे हो ग्रैंडी जैसी है, ये प्लस माइनस में जो आती है, ये ऑटो भी है और ऑटोमेटिक भी है, और अच्छा, दोनों भी है, दोनों है, सही, दोनों है, ये तो फिर जबरदस्त हो गया, इसकी प्राइस भी बताइए, ये 16 लाख रुपए, ये 16 लाख जी हाँ, ठीक, ये तकरीबन 33 लाख रुपए की गाड़ी है, शायद, और ये आगे, ये अल्टो ट्रम्प है, ये भी यही चीज, यही चीज है, यही चीज है, खाली वो लग्जरी बनी हुई है, ये सादी है, ये सिंपल है, इसमें दूसरी है एनी चार्ज, ओके, वो भी हमारे साथ मौजूद है, ठीक, ये शादी है, ये अपना ऑटो और मैनुअल दोनों है, दोनों है ये भी जी हाँ, ऑटो मैनुअल, ये 2016 मॉडल है, इसकी भी वही प्राइस है या इसकी थोड़ी, ये 9.5 लाख रुपए, ये 9.5 लाख वो की है। ये दूसरी है, ये कट में, ये कट, ठीक है, इसमें अच्छा, इसमें प्राइस का फर्क है, वो दोनों सेम ही है, वो साबित है, ये कट है, वो 9.5 लाख रुपए में, ये 7.5 लाख रुपए में, ठीक, ये अल्टो है, ठीक है, ये अल्टो आ गया, ये अल्टो है तकरीबन, ये 2014 मॉडल की है, 2014 ये तकरीबन मिल जाएगी 9 लाख रुपए में, 9 लाख, ये आप दिखा सकते हैं व्यूअर्स को, ये आइडल स्टॉप है, सही, ये जब आप ब्रेक पकड़ोगे किसी रश में, जब आप जाओगे सिग्नल में, जब आप ब्रेक पकड़ोगे इंजन बंद हो जाएगी, और ये मीरा है, ये मीरा 2012 मॉडल मीरा है, ये सही, ये मिल जाएगी तकरीबन 9 लाख का, ये स्विफ्ट है, ये स्विफ्ट है जी हाँ, ये स्विफ्ट है, ये 2007 मॉडल की है, ठीक, 1500 सीसी है, मैनुअल है, इसकी प्राइस 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए प्राइस है स्विफ्ट की, देख लें, ये एनी चार्ज की अल्टो है, सही, ये तकरीबन 2017 मॉडल की है, इसमें हैंडल नहीं होते, शीशे जो इलेक्ट्रिक होते हैं, ये गाड़ी तकरीबन 11 लाख रुपए में, 11 लाख रुपए, क्या प्राइसेस देख ले, अंदर से भी गाड़ियां आपने देखी बिल्कुल ओके हैं, ऐसे फ्रेश है, फ्रेश गाड़ियां हैं बिल्कुल, जैसे अभी बन के और आई हैं, मैं आपको गाड़ियां दिखाता हूँ, मेरे साथ मौजूद है, आप दरवाजा खोल ले, उसमें बैठ जाए, वही स्मेल होगा जो जापान, जो जापान में बिल्कुल ऐसे, ये आप शोरूम भी देख ले, यहाँ पे गाड़ियां चेक करें आप, ये तो अभी फ्रंट में, ये दरमियान में खड़ी, इधर रास्ता नहीं है, वरना मैं आपको और भी अल्टो दिखाता जी, ये सिग्नस ग्रैंड है मेरे साथ पेट्रोल में, 4700 जी, 22 लाख रुपए में, ये 22 लाख जी, 22 लाख, वैसे कितने की होगी ये तकरीबन 80-85 में मिल जाएगी, 85 की, ये जो ये सिग्नस है, ये सिग्नस है जी, ये आपको मिल जाएगी 20 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में, वो भी 2003 मॉडल है, ये भी 2003 से,
अच्छा भाई, थोड़ा सा आप इसकी नॉलेज दीजिए, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज की, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे, क्योंकि मुझे भी इतनी कुछ नॉलेज नहीं है। लोगों को सिर्फ दिखाना था कि प्राइस में कितना फर्क होता है, वो आप बताइए, क्योंकि यूज आम लोग करते हैं वो डरते हैं, तो क्या चक्कर है ये तो यार किसी के साथ डिफेक्ट करता है, कोई चला सकता है कोई नहीं चला सकता। अक्सर हमारी जो पहुँच होती है वो इस तरह है की अभी फर्ज कर लो जिस भाई ने खरीद ली वो जिसको टैक्स करना चाहता है, बिल्कुल ऐसे ही है, अनलीगल तो कोई नहीं चला सकता ना। ये फ्रेश गाड़ियां इसीलिए लाई हुई हम लोगों ने ताकि ये टैक्स पे कुछ कमा ले इन लोगों के। ये अक्सर लोग होते हैं कमाने के लिए ले जाते हैं, जब ये टैक्स हो जाती है फिर इसमें तकरीबन हमारे ये 2023 की एक्शन बन जाती है, 2023 की रजिस्टर बन जाती है, ठीक है, ये काफी ज्यादा मुनाफा फिर करता है। तकरीबन गाड़ी में इन लोगों को तकरीबन 2-1.5 लाख रुपए रह जाते हैं। ठीक है ठीक है, बचत होती है इससे यहाँ से, और फिर फ्रेश पीस मिल जाता है, फ्रेश पीस मिलता है बगैर यूज नहीं हुआ होता। आप इंटीरियर इसका चेक कर किया है आपने, बल्कि इसकी जो शीट्स हैं वो भी नहीं उतरी हुई जी करके। तो ये लोकेशन आप बताइए लोगों को। ये हमारा लोकेशन जो है ये क्वेटा मेन एयरपोर्ट रोड पे, जब आओगे तो एयरपोर्ट मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये हमारे पीछे एयरपोर्ट है। अच्छा, ये वहाँ से एयरपोर्ट चुरंगी के नाम से, जब आप एयरपोर्ट चुरंगी पे पहुँच जाओगे बाईपास रोड पे चलोगे, बाईपास रोड है, जैसा बाईपास रोड पे 1 किलोमीटर आगे हमारे शोरूम है जहर खान मोटर्स, नज़्द अब्दुल वली चौक, जहाँ निसार अहमद नाम है, निसार अहमद इनका नाम है, इनका नंबर मैं ऐड करूंगी, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, और प्राइजेज मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे अगर रेफरेंस से आएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये फेसबुक पे हमारा अपना अकाउंट भी है जहर खान मोटर्स के नाम से, फेसबुक पे हमारा पेज चल रहा है जहर खान मोटर्स के नाम पे। चलिए, उसका लिंक भी मैं फेसबुक का, इनका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप अगर कांटेक्ट ना कर सके तो मेल कर सकते हैं या उसमें मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और गाड़ियों के तो बहुत शौकीन है आजकल, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, पेट्रोलियम के, डॉलर बढ़ता ही चला जा रहा है, तो डेफिनेटली गाड़ियों के रेट भी बहुत हाई हो चुके हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे नहीं लग रहा कि महंगाई हो रही है या मैं अलग ही दुनिया में आ गई हूँ, इतनी सस्ती गाड़ियाँ। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आती हूँ दोबारा किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।